नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लिपनेट। इन्फ्लिपनेट यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये तीन वर्ड से बना हुआ है, इन्फ्लिप INF इंफॉर्मेशन, LIB मतलब लाइब्रेरी, और NET नेट मतलब नेटवर्क। इन तीनों से मिलकर बना हुआ है इनफ्लिप नेट। बेसिकली अगर आप डी लाइब्रेरी साइंस के किसी एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो, NVS का हो जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज का एग्ज़ाम हो जहाँ पर लाइब्रेरी की वैकेंसी है, तो वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड करीबन 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। और वो सवाल बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं और प्रोफेसर यानी टीच प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको एक UGC नेट का एग्ज़ाम देना होता है। और उस नेट के एग्ज़ाम में, नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम में, यहाँ से करीबन 7 से 8 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ से सवाल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि UGC ने ही इन्फ्लिपनेट की स्थापना करी है। बाकी जो इसकी इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इन्फ्लिपनेट। तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सबको मैं वन बाय वन, चाहे इसके फैक्ट हो जाएं, चाहे इसके जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उन सब के ऊपर जितने सवाल बन सकते हैं उनको फैक्ट वाइज मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आगे की स्लाइड में। प्लस इसके साथ ही मैंने ये जो प्रोग्राम्स हैं ये असल में काम क्या करते हैं उन सब की जानकारी मैं आगे स्लाइड में आपको वन बाय वन दूंगा। और इसकी लगभग 2 वीडियो बन सकती है, तो पेशेंस रखिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन्फ्लिपनेट। तो इन्फ्लिपनेट की स्थापना कब हुई? सन 1990 के दशक 1990 के आसपास, जहां इंडिया में लोकल लेवल पर कई सारे नेटवर्क्स थे, जैसे कैलिब नेट हो गया, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। ऐसे छोटे छोटे लोकल लेवल पर नेटवर्क्स थे जो सूचना प्रोवाइड कराते थे रिसर्च के क्षेत्र में। लेकिन अब जो इन्फ्लिपनेट है, एक ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी जो नेशनल लेवल पर काम कर सके, क्योंकि जो लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं वो सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते थे। जो जितनी भी रिसर्च प्रोग्रेस हो रही है उनमें सारी जानकारी वो हर जगह लोकल लेवल पर प्राप्त करना और उसे यूज़ कर पाना इतना आसान नहीं था। तो ऐसे में एक बड़े नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी, तो इसकी वजह से ही इन्फ्लिपनेट की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। बाकी इसकी डिटेल मैं आगे बता दूंगा, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। और इन्फ्लिपनेट असल में है क्या? तो जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से रिसर्च करवाती है, तो रिसर्च करने के बाद जो उसकी ई थीसिस होती है, उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जो भी रिसर्च की गई है उन सबको संभाल कर यहाँ पर रखा जाता है फ्यूचर के लिए और सोसाइटी के लिए। बेसिकली रिसर्च होती क्यों है? रिसर्च तो सोसाइटी के लिए ही होती है। अगर रिसर्च ना हो तो सोसाइटी की प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो ऐसे में जो रिसर्च है इसको संभाल कर रखना और बाद में समय ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ करने के लिए यहाँ पर इन्फ्लिपनेट की ओर से कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो चलिए इनकी एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो अबाउट इन्फ्लिपनेट की बात करें तो इन्फ्लिपनेट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में आयुका के रूप में। आयुका क्या है? तो आयुका मैं बता दूं, आयुका की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च। यानी इन्फ्लिपनेट से पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर के रूप में हुई थी, मतलब जो खगोल विज्ञान में रिसर्च के लिए हुई थी। लेकिन बाद में इसमें कई सारे जो नेटवर्क्स को मिलाया जाने लगा और मिलाकर फिर एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई,
और ये ऑटोनोमस बनाने का बॉडी बनाने का और इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट माफ़ कीजिए कई सारे नेटवर्क्स मिलाने का काम किसने करा? यूजीसी ने करा था और इस तरह से इन्फ्लिगनेट की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से बस ये सवाल पूछा जा रहा है, ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया, बाकी यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है कि इन्फ्लिगनेट की स्थापना कब हुई है, तो वो 1991 में हुई है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है। बाकी आगे चलते हैं अब, और तो इसकी जो स्थापना पहले हुई थी वो हुई थी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, इसकी स्थापना हुई थी, जो बाद में सन 2013 में चेंज होकर गांधीनगर की एक बिल्डिंग इन्फो सिटी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, यानी शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी ये इस टाइम पर कहाँ पर है, पहले अहमदाबाद में था और अभी गांधीनगर इन्फो सिटी बिल्डिंग में है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर यानी मई 2021 में कौन डायरेक्टर हैं? तो जेपी जुरेल इसके वर्तमान में कौन है? डायरेक्टर है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं ये मैंने पहले बेसिक्स आपको बता दिए, इसके फैक्ट बता दिए कि यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं बेसिकली। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसके एक एक प्रोग्राम के ऊपर, जिसके बारे में आपको वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये शोध गंगोत्री क्या होता है, शोध गंगा क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो इन पर बेस्ड जो सवाल होते हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम लेते हैं शोध गंगा, फिर शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, इन सब की डिटेल में बताऊंगा, फैक्ट आप इसमें से याद कर लीजिएगा। और इसके जो बैकग्राउंड है या ये क्या काम करते हैं, ये चीज़ शोध गंगा है क्या, उसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। साइड में आपके राइट साइड में आपको इसका वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप इस पे जाके और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि शोध गंगा क्या है। तो शोध गंगा बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए कई सारे रिसर्च प्रोग्राम करवाती है, चाहे वो सोशल साइंस के फील्ड में हो चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, तो वहाँ पर रिसर्च करवाई जाती है। और इन रिसर्च को कंप्लीट होने के बाद ई थीसिस के रूप में या ई डॉक्यूमेंट के रूप में इन्हें कहाँ ई डेटाबेस के रूप में कहाँ पर सबमिट किया जाता है? तो इनको ई डेटाबेस के रूप में, ई थीसिस के रूप में कहाँ सबमिट किया जाता है? तो शोध गंगा नामक वेबसाइट पर, इन्फ्लिपनेट की शोध गंगा नामक वेबसाइट पर इसे सबमिट किया जाता है। और तो यहाँ से ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड, बाकी आप इसको यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि ई थीसिस आर अवेलेबल। तो सवाल में पूछा जाएगा कि चार ऑप्शन होगा और उसमें पूछा जाएगा कि ई थीसिस इनमें से किस में अवेलेबल कराया जाता है, तो वो शोध गंगा में करवाया जाता है। और शोध गंगा का जो स्टार्टिंग हुआ वो कब से हुआ है? तो ये हुआ है सन 2010 से। और ये शोध गंगा किस तरह से काम करता है? तो ये रिजर्वर ऑफ इंडियन थीसिस एंड डिजर्टेशन के रूप में काम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारे शोध गंगोत्री। मैंने अभी आपको बताया कि एक शोध गंगा है जहाँ रिसर्च कंप्लीट होने के बाद सबमिट किया जाता है। उसी तरह से जब तक रिसर्च आपकी प्रोग्रेस में है, यानी अभी आपने रिसर्च नहीं करी है, कंप्लीट नहीं करी है, आप उस पर रिसर्च करे ही जा रहे हैं और अभी आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे में जो एक सिनॉप्सिस होती है रिसर्च की, वो चीज़ कहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है? वो यहाँ पर होती है शोध गंगोत्री में। तो शोध गंगोत्री में क्या है? रिसर्च इन प्रोग्रेस, यानी जो रिसर्च अभी की जा रही है उसको यहाँ पर, वो टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल कराए जा सकते हैं, कराए जाते हैं। आप यहाँ जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर अभी रिसर्च की जा रही है, यहाँ से आप ले भी सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली जो सवाल आता है वो रिसर्च इन प्रोग्रेस है, कि रिसर्च इन प्रोग्रेस का संबंध किससे है? तो वहाँ पूछ लेगा कि शोध गंगा से है, शोध गंगोत्री से है, तो आपको आंसर लगाना है शोध गंगोत्री, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रिसर्च सिनॉप्सिस आर अवेलेबल, यहाँ पर रिसर्च सिनॉप्सिस अवेलेबल कराई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इसमें, अ रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर पीएचडी प्रोग्राम। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इसमें
ई स्रोत सिंधु। तो ई स्रोत सिंधु इस बेसिकली है क्या? ई स्रोत सिंधु एक तरह से कंसोर्टियम है। इसके अंदर में क्या होता है कि इसमें कई तरह के प्रोग्राम को मिलाकर एक नहीं, कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मिलाकर एक बड़ा सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसे कंसोर्टियम कहते हैं। तो ये जो बड़े प्रोग्राम है ये कौन कौन से थे? तो ये थे यूजीसी इंफोनेट, एनलिस्ट और AICTE इंडेस्ट। ये क्या था कि इन ये तीनों एक ही तरह से काम कर रहे थे। एक इनका काम करने का ढंग या बेसिक बेसिक जो था इनका वो एक ही था। तो अलग अलग ये प्रोग्राम चलाने की बजाय इन सबको मिलाकर एक कंसोर्टियम बना लिया गया। ये मेगा कंसोर्टियम बन गया और इसका नाम रखा गया ई सोध सिंधु। और ये कब मिलाया गया? तो सन 2014 में मिलाया गया है। यहाँ से आप ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। प्लस अब यहाँ से एक सवाल ये भी बन सकता है कि यूजीसी इंफोनेट इसका नया नाम क्या है? तो वो ई सोध सिंधु है। या एनलिस का नया नाम क्या है? तो ई सोध सिंधु है। और या AICTE इंडेस्ट का नया नाम क्या है? तो ई सोध सिंधु है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पता चल गया होगा कि आप ई सोध सिंधु बेसिकली है क्या। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा इन्फो पोर्ट। तो इन्फो पोर्ट है क्या? इन्फो पोर्ट ये भी इन्फ्लिपनेट का ही एक प्रोग्राम है। यहाँ से आप अपनी रिसर्च के लिए टॉपिक पर आप सर्च कर सकते हैं कि आपके टॉप आप चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट के वाइज या टाइटल वाइज या ऑथर वाइज आप यहाँ पर अपने कंटेंट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर तो इन्फो पोर्ट यानी इंफॉर्मेशन पोर्टल, ये इसका फुल फॉर्म तो यही बनता है कि इन्फॉर्मेशन पोर्टल एक इन्फ्लिपनेट ने प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ से रिसर्चर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब आ जाते हैं OJS। OJS यानी ऑनलाइन जर्नल एक्सेस सिस्टम। इसके फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है, ऑनलाइन जर्नल एक्सेस। ये प्रोजेक्ट अभी बंद हो चुका है सन 2018 में। तो यहाँ से सवाल यही सीधा सीधा पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो इन्फ्लिपनेट का कौन सा प्रोग्राम बंद कर दिया गया है? तो वो OJS यानी ऑनलाइन जर्नल सिस्टम एक्सेस, ऑनलाइन जर्नल एक्सेस सिस्टम, इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। और कब किया गया है? 2018 में किया गया है। इसे किसी और में मिलाया नहीं, मर्ज नहीं किया गया, बल्कि इसको बंद ही करा गया है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोग्राम है यहाँ पर NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 19 सितंबर 2015 को, माफ़ कीजिए, 29 सितंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। और ये है क्या? तो बेसिकली सवाल यही पूछा जाता है कि NIRF की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ जो है कई तरह से अपने रिसर्च काम करती हैं। तो रिसर्च में यूनिवर्सिटीज़ जो अपने प्रोग्रेस कर रही हैं उस प्रोग्रेस के हिसाब से यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पर रैंकिंग दी जाती है। और ये रैंकिंग देने का काम कौन करता है? तो ये करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क करता है। तो यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। और जितने भी प्रोग्राम हैं इसके बारे में, अभी सॉल हो गया, विद्वान हो गया और बहुत सारे इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बाकी अब तक के लिए चलिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।